एजुकेशन लोन लें या एजेंट से बात करें या प्रॉपर्टी सोल्ड करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एलपी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फंड्स कैसे अरेंज कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हाँ, मेरे फंड्स जो है वो कैसे अरेंज होंगे, हम कैसे इतने पैसे शो करें। तो आज तीन तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने फंड्स अरेंज करोगे। तो वीडियो में बने रहे और ऑस्ट्रेलिया की स्टडी से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस चैनल में मिलेगी। मैक्सिमम वीडियोस मैंने बना भी दी हैं, आप वो भी चेक करें। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशन लोन। आप अपने फंड्स शो करने के लिए अपनी जो स्टडी है उसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के जो भी बैंक्स हैं उनके मैनेजर से बात करें और अपने जो है फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी स्टेटस है उसके डॉक्यूमेंट्स शेयर करें उनसे। अपना प्रोस्पेक्टिव बताएं, आपका क्या मोटिव है एजुकेशन लोन लेने का, वो सब उनको बताएं, क्योंकि ये भी उसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन एजुकेशन लोन लेने का एक जो मेन रीज़न जो बच्चे शायद नहीं लेते, बहुत नहीं लेते, कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप अभी सोच ही रहे हो कि हाँ मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है स्टडी के लिए, तो आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें एजुकेशन लोन लेने का, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब भी आपको आप अपनी फाइल लगाने की सोचें ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जब भी आपको फंड्स की ज़रूरत पड़े तभी आप उसका यूज़ कर सके। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, आप अपने एजेंट से भी शो करा सकते हैं फंड्स। तो जैसे जब भी आप को फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तब उससे पहले जब आप फाइल अपनी लगाने जाते हो एजेंट के पास, तब आप उनसे बात कर सकते हो कि जो फंड्स हैं वो हमारे पास नहीं है, आपको ही अरेंज करने पड़ेंगे। तो आपका एजेंट आपसे एक अमाउंट लेता है फंड्स अरेंज करने के लिए, पर इसका थोड़ा सा रिक्स ही होता है क्योंकि वो अपने अकाउंट में कराता है। तो अगर तो आप उनसे बात करके ये कह सको कि हाँ जो हमारा अकाउंट होगा आप उसमें शो कर दीजिए, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अपने अकाउंट में कराता है और पूरा गारंटी लेता है कि हाँ फंड्स के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये भी बहुत अच्छा काम है, आप उनसे भी अरेंज करा सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल यही करा रहे हैं, अपने एजेंट से ही सारे फंड्स शो कराते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए 25-27 लाख अरेंज करना। बहुत बच्चे कर भी लेते हैं जिन जिनके पास होते हैं, जिनके पास नहीं होते वो अपने एजेंट से ही कराते हैं। तो नंबर थर्ड पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी सोल्ड। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको सोल्ड किया है, तो आप उसके पेपर्स भी दिखा सकते हो कि हमने ये प्रॉपर्टी सोल्ड करके फंड्स अरेंज किए हैं। और जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर है या फिर बिजनेसमैन है, उन्होंने कोई एसेट मतलब कि सेल किया है या फिर जैसे वीट सेल किया है, तो आप वहाँ से भी दिखा सकते हो कि हमने ये सामान बेच के फंड्स अरेंज किए हैं। मतलब उनके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, वो वेरीफाई भी करेंगे कि हाँ ये जो फंड्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं या फेक हैं या कैसे भी हैं, वो सब कुछ अपना वेरीफाई करते हैं। और जितना हो सके अपना एक नंबर में काम करवाएं, बिल्कुल भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कई बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया जाके भी वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके जो फंड्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो आप ध्यान रखें और अपना अच्छे से अच्छे एजेंट से काम करवाएं। थैंक यू।